चलो आज की वीडियो में हम लोग इधर ध्यान दो, SN के फॉर्मूले पर एग्जांपल देखेंगे। तो SN के दो फार्मूले हैं, इसको याद करके लिखते हैं हम लोग। एक दूसरा फार्मूला जो है वो फार्मूला है SN बराबर n बटे दो कॉस में टी एन जमा टी वन। ओके, टी वन की जगह पर वो ए बी इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाले फार्मूले में हमको करना क्या है, बराबर है? जैसा देखो, मिसाल के तौर पर एक से लेकर एक से दस तक आदाद की जमा कीजिए, ऐसा सवाल अगर हमको आया, यानी एक से लेकर दस तक तमाम आदाद की जमा हम लोगों को करना है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग ये फॉर्मूले से करेंगे। देखो, अभी छोटे नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम लोग दस तक इसको लिख सकते हैं, और इसकी जमा करने में हमको ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लग सकता है, बराबर। अभी नंबर छोटा था तो हम लोग ने यह अमल कर लिया, लेकिन अगर बड़ा नंबर आया जैसा एक से लेकर सौ तक 1 to 100, उसके लिए हम यह वाला अमल तो कर नहीं सकते, बराबर है? तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी जिस सवाल के अंदर हमको आखिरी रुक और पहला रुक नजर दिया जाए तो वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। याद करना है मैं क्या बोल रहा हूँ, आखिरी और पहला रुकन दिया जाए तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, और अगर डी वगैरह जैसा तवातिर दिया जाए हम लोगों को तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। बात समझ में आ गई? तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कौन क्या क्या है हमारे पास, ये मालूम है हमको। देखो, एन बराबर कितना बार रुकन, सही है? उसके बाद ए, ए मीन्स पहला रुकन, उसके बाद डी, डी क्या है? मुश्तरिक फर्क, बराबर है? और ऐसे यानी सबकी जमा जो भी रहेगा। उसने अगर कहा कि सात नंबर की जमा कीजिए तो एन की जगह पर हम सात नंबर लिखेंगे, उनका जो भी है उसके अंदर तवातिर के अंदर ये लिखेंगे। बात समझ में आ गई है ना? तो ये एग्जांपल, ये हमारे फॉर्मूले है दो, तो सबसे पहले हम लोग ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल जब होगा, जब सवाल जैसा आएगा हमारा जिस नौत पर रहेगा उसके मुताबिक हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ये वाले फार्मूले पर किस तरीके की एग्जांपल है उसको लिखते हैं। पहले इसको दोनों फार्मूले लिख लो, फिर एग्जांपल करते हैं। चलो लिखो उसको जल्दी से। देखो, हम इस पर पहला सवाल लेते हैं। क्या सवाल दिया गया है? अगर हिसाबी तसाउद के लिए ए बराबर दो डी बराबर तीन हो तो एस 12 मालूम कीजिए। इसके जैसे बिल्कुल घर का मैंने नीचे दिया हुआ। देखो, ए बराबर पाँच डी बराबर नफी दो और एस 30 तो लोग मालूम कर। मैं पहला सवाल, यानी ये वाला हमारा पहले सवाल के पॉइंट है ना, मैं जिस तरीके से करूँगा सेकंड सवाल भी तुमको उसी तरीके से करना। तो हम आलमी लिखेंगे पहले दिया हुआ करके, इस तरीके से हल में दिया हुआ हमने यहाँ लिखा, क्या दिया हुआ हमारे पास, ए बराबर दो डी बराबर तीन और एस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। इधर ध्यान दो, एस 12 कितना है? क्वेश्चन मार्क। अब 12 यानी एन भी हमको पता है, एन बराबर कितना है? 12। अब हम यानी कि ये जब्ते से लिखना है, फॉर्मूला लगाएंगे एस एन। देखो, फॉर्मूले का अगर ये सवाल दो मार्क्स के लिए या तीन मार्क्स के लिए रहा तो फार्मूले को एक मार्क्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? एक मार्क्स फार्मूले के, और सही कीमत अगर तुमने रखे तो वहाँ पर आधा मार्क्स, ऐसा तुम लोगों को कितने मार्क्स मिल जाएंगे? डेढ़ मार्क्स। सही सही कीमत अगर तुम लोगों ने इसमें रखा तो एन बटे दो दो ए जमा एन नफी एक इंटू डी। अभी देखो गौर से, पहला क्या है यहाँ पर? एन, एन मीन्स 12, हम यहाँ लिखेंगे एस 12 बराबर। फिर दोबारा से यहाँ पर एन आया, हमने यहाँ रखा 12 बटे दो जर्ब ए, ए मीन्स दो जमा। फिर दोबारा से एन आया, ए मीन्स 12 नफी का ए, डी, डी मीन्स तीन जर्ब तीन। इतना अगर तुम लोग करते हो, मार्क्स का ए एक, जब्ते का एक, और गिनते अगर सही रखे तो क्या एक मार्क्स, बराबर है? आधा मार्क्स देगा तुम लोगों को यहाँ पर। आगे देखो, सबसे पहले दो एक, कभी कभार यहाँ पर तकसीम होने वाला अदर नहीं आता है, एक बात याद रख। अभी आ गया तो उसको हम कर देंगे,
दो एक दो, दो छक्के बारह, यहाँ पर हमने छह लिखा है। अब यहाँ पर दो इन दोनों की जरूरत करो, दो दूनी चार जमा ग्यारह में से बारह में से एक गया कितना बचा ग्यारह जरब तीन तीन आगे बढ़ते छः जरब चार जमा ग्यारह तिया तैतीस फिर नीचे आते छः कॉस तैतीस में चार मिलाओ कितना होगा सैतीस बराबर है। अब आगे लिखिए हम लोग एस ट्वेल्व एस ट्वेल्व अब हमको लिखना है सैतीस को हम छः से जरब करते हैं छः सात बयालीस हासिल क्या है चार छः या अठारह अठारह और चार बाईस हम लिखेंगे आखिरी में एस ट्वेल्व बराबर कितना हो गया दो सौ बाईस। समझ में आ गया बड़ा इजी है ना। अब तुम लोग घर पर इसकी मशक करना ए बराबर पाँच डी बराबर नफी दो और एस थर्टीन मालूम करना समझ गए। यानी एन बराबर कितना हो जाएगा दस ए बराबर हो जाएगा पाँच डी बराबर हो जाएगा नफी दो नफी दो याद रखो यहाँ पर नफी की अलामत है इसको गड़बड़ी मत करने लिखते वक्त तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब डी लिखेंगे तो उसको नफी को कॉस में बना कर लिखने समझ गए लिखो उसको सवाल सेम है। देखो अब जो सवाल है हमारा बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है लेकिन अभी यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है डी मालूम करना। पिछले सवाल में ए दिया हुआ था डी दिया हुआ था और हमको जो भी था उसकी जमा करना था। अब यहाँ पर देखो अगर हिसाबी तसावुत के लिए एस टेन बराबर एक सौ तीस है ना और ए बराबर चार हो तो डी मालूम कीजिए। हल में हम लोग पूरा एज इट इज जैसा लिखे थे पहले वैसे ही लिखेंगे दिया हुआ करते हुए हमने यह लिखा। अब लिखेंगे एस टेन बराबर एक सौ तीस उसके बाद ए बराबर चार और डी क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन है ना। एन कितना है दस एन कितना है हमारा दस ये लिखना मत भूलना है ओके। अब याद लिखेंगे हम लोग जब्ते से जब्ता ऊपर लिखा हुआ है उसी जब्ते की कॉपी करते हैं। एस एन बराबर एन बटे दो कॉस में दो ए जमा एन नफी ए इंटू डी सही है। अब और से देखना है पर एन मीन्स कितना है दस यहाँ पर एस दस बराबर यहाँ पर फिर एन है यहाँ दस बटे दो दो जर्ब ए मीन्स कितना है चार जमा एन एन मीन्स कितना है दस नफी ए जर्ब डी क्योंकि डी क्वेश्चन मार्क। अब देखो एस टेन कितना दिया हुआ हम लोगों को एक सौ उसकी जगह पर रख लिया बराबर दो के बारे में दस आते हैं दो दो पंजे यहाँ पर चार दोनी आठ जमा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास नौ डी बराबर है क्योंकि यहाँ पर जो कॉस के बाद ये जर्ब कर रहा है तो इसका जो भी जवाब आएगा वो डी के साथ जर्ब करेगा यानी नौ डी। अब पांच ने जर्ब कर रहे थे जाएगा तो ये हो जाएगा एक सौ तीस बटे पांच बराबर आठ जमा नौ डी सही है समझ में आया था कि। अब हम यहाँ पर क्या करना है इसकी तकसीम करेंगे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ए बराबर हमारा यह क्या है चार हम यहाँ पर 130 को पाँच से तकसीम करेंगे तकसीम करना है जरब नहीं करना है। अब देखो पाँच के पाड़े में तेरह तीन क्या आता है दस दो नंबर पे यहाँ बचा तीन फिर जीरो पाँच के पाड़े में तीस कितने नंबर पर आता है छः आ गया जवाब यानी ये इसका जवाब क्या मिलेगा हम लोगों को छब्बीस हमने लिखा छब्बीस बराबर या एज इट इज जैसा वैसे देंगे आठ जमा नौ डी सही है। अब यहाँ पर देखो आठ इधर जमा कर रहा है इधर जाएगा तो क्या करेगा नफी करेगा तकसीम नहीं नफी बराबर नौ डी बराबर चल इधर ध्यान दो छब्बीस में से आठ गए कितना बचा अठारह कितना बचा अठारह बचा है अठारह यहाँ बचा बड़ा था छब्बीस था इसलिए उसके अलावा बराबर नौ डी नौ इधर जर्ब कर रहा है इधर जाएंगे क्या करेंगे तकसीम अठारह बटे नौ बराबर डी इसलिए देखो नौ इधर नौ नौ दो अठारह दो बराबर डी हम लोगों को यही मालूम करना ओके। अभी तुमको अगला सवाल कैसे आ सकता है अभी डी की वैल्यू दे देगा और कहेगा ए मालूम कीजिए क्या कहेगा ए मालूम कीजिए सेम टू सेम यही तरीका रहेगा उसको सॉल्व करने का। अभी देखो हमने सारे डिफरेंट क्वेश्चन देखे ये हमारी किताब में मौजूद नहीं है अभी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए
ऐसे इस पर किस तरीके से वो सवाल तुम लोगों को पूछेगा। अगर मानो हमारे पास किताबों में ये सवाल नहीं है और अगर उसने इनफैक्ट ऐसा पूछ डाला तो हम लोग क्या करते हैं, अरे यार ये तो कैसा आएगा क्या बात, जबकि उसका तरीका बहुत आसान है। समझ में आ रही बात। अब इस पर एक और नया क्वेश्चन देखते हैं, नई टाइप का, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो लिखो इसको। एक्सरसाइज 3:3 का हम सवाल नंबर 2 लेते हैं, क्योंकि पहला जो सवाल है वो हम लोग उसकी टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो सवाल में क्या कहा उसने, पहले 123 जुस्त तबे आदाद की जमा मालूम कीजिए। बराबर है, यानी टोटल कितने नंबर है, 123 है, पर वो नंबर कैसे है, जुस्त आदाद है। कितने है, जुस्त आदाद। हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हल में दिया हुआ करके हमने लिखा जुस्त आदाद। आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। आखिरी जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, यानी 2, 4, 6 ऐसे इस तरीके से टोटल कितने हैं, 123 नंबर है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a बराबर 2, d बराबर कितना आएगा, 2, वो भी आएगा 2, और n बराबर कितना रहेगा, 123। समझ में आई बात। अब जो फॉर्मूला हमारा, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब्ते से। हम लिखेंगे जब्ते से, जब्ता लिखना है एस एन बराबर एन बटे 2 कॉस में 2 ए जमा एन नफी 1 इंटू डी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, इसको कॉस लिखना, जल्दबाजी में गलती नहीं कर बैठना। पहला क्या है एन, देखो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा तुम लोगों का, गलती करना नहीं। हर एग्जांपल कैसे समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 123 बटे 2, 2 ज़र्ब ए मीन्स कितना है, 2, जमा वापस से एन मीन्स 123 नफी 1 एज इट इज ज़र्ब 2। सही है। अभी यहाँ पर देखो, अभी तक के जो एग्जांपल हमने किए हैं तो 2 से तकसीम होने वाला था आ रहा था यहाँ पर, तो हम इसको अभी जो आया है वो 2 से तकसीम है क्या, नहीं, इसलिए इसको एज इट इज जैसा है वैसा है। अब यहाँ पर आएंगे 2 2 4 जमा 123 में से 1 गया, कितना बचा, 122 ज़र्ब 2। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसको इधर की साइड पर आते हैं जरा। 123 बराबर हम लिखेंगे 123 बटे 2। अब यहाँ पर देखो ये 4 है, 4 एज इट इज जमा, या तो फिर हम इसको इन शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इधर ध्यान दो, ये देखो यहाँ पर 4 है, 4 2 के पड़े में आता है, और यहाँ पर 2 ज़र्बी शक्लों में, 2 कैसी शक्लों में, ज़र्बी। अब यहाँ से मुश्तरक 2 निकाल लेंगे, क्या करना है, 2 मुश्तरक यहाँ से हटा देते हैं। तो देखो हम इस तरीके से इसको और एक कम स्टेप में आया हमारा, ज़र्ब 2 मुश्तरक हमने निकाला, देखो गौर से, इसमें जमा की अलामत है, 2 हमने मुश्तरक निकाला। देखो 2 के पड़े में 4 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर जमा। अब देखो 122 के बाहर 2 था, तो ये 2 तो बाहर निकल गया, तो अभी सिर्फ क्या बचा, 122 ये बचा हमारे पास, 122 ये 2 से 2 कैंसिल, 123 ज़र्ब 124 है ना। अब इनकी क्या करना है, एस 1 2 3 इनकी ज़र्ब करना है। पहले 3 का पारा देंगे, 3 4 12 2 हासिल गया, 1 3 दूनी 6 और 1 7 3 1 का 3 पहले 10 से तकसीम हो गई, ज़र्ब हो गई इसलिए 0, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 1 का 2 2 10 से हो गई 1 2 अब 1 से देंगे 4 2 1 बराबर है, ये आ गया 2 7 और 8 15 हासिल गया 1 4 4 दूनी 8 और ये 4 3 12 हासिल गया 1 2 और 1 3 3 और 1 4 और 1 का 1 तो हमारा जवाब मिला 14252। यानी 123 जुफ्त तभी आदाद की जमा कितनी है, 14252। समझ में आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर
दो था। अब इसके जैसे सवाल पुरानी किताबों में कैसे है उसमें से हम एक दो मिसाल लेते हैं। ओके चलो लिखो। देखो उसी तरीके का सवाल है, पहले क्या था सवाल में जुस्तदत बराबर है, अब क्या दिया उसने सिर्फ तबैयत दिया और कितने बोला उसने पहले 100 यानी एक से लेकर 100 आदत की जमा मालूम। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, हम लिखेंगे हल में कौन से आदत का उसने तबैयत। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ तबैयत कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से 100 है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना 1, डी बराबर कितना वो भी 1 और एन बराबर कितना 100 है ना। जब्ते से हम लिखेंगे एस एन, जब्ते से फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है एस एन बराबर एन बटे दो कॉस में 2a जमा एन नफी 1 एन टू डी सही है। एन यहाँ पर मौजूद है ये हो जाएगा एस 100 बराबर यहाँ पर भी एन मौजूद है एस 100 बटे दो, दो जर्ब ए मीन्स एक जमा एन, एन मीन्स कितना 100 नफी 1 जर्ब 1 समझ गए। अब यहाँ पर देखो दो के पड़े में 100 आता है कितने नंबर पे 50 नंबर पे, दो एक दो, दो पंजे 10 50 आ गया हमारा। यहाँ पर इन दोनों की जर्ब दो एक दो जमा 100 में से एक गया 99, जर्ब एक है तो 99 का 99 बराबर 50 जर्ब कितना 101। अब 50 100 से 50 से जर्ब देना है हम यहाँ लिखेंगे 101 जर्ब 50 बराबर है कितना जाएगा ये पूरा 0 जाएगा 0 0 फिर पहले अदर से तकसीम हुई इसलिए यहाँ पर 0 5 एक का 5 फिर 0 का 0 5 एक का 5 यानी कि हम 0 5 0 5 आखिरी में जवाब हमारा आया एस 100 फिजिकल टू 5050 सही है। अभी यहाँ पर देखो मैंने ये लिखा एक घर काम के लिए सवाल, अभी हम क्या करेंगे तभी याद देना यहाँ पर सवाल में हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा। हम लिखेंगे 25 पहले 25 ताकदर कौन सा दर ताकदर ये वाला सवाल तुमको एस डब्ल्यू इसकी मश्क कर देना ओके। ताकदर कौन से होते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में आते हैं मैं वो भी बता देता हूँ 1 3 5 इस तरीके से समझ गए। चलो कल देखते हैं इंशाल्लाह वीडियो में अगले क्वेश्चन।